नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने की वारदात सामने आई है, जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने 2 साल 8 माह की बच्ची के साथ गलत हरकत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची की मां कोतवाली थाना अंतर्गत अपनी बड़ी बहन के घर आई हुई थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने बच्ची को खिलाने के बहाने से अपने घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने तत्काल ही इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जहां समय रहते पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी सर, कल एक नाबालिग बच्ची के साथ 55 साल व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, क्या है पूरा मामला? 25 तारीख की रात्रि 9 बजे बच्ची 2 साल 8 महीने की बच्ची है, उसको वो अपनी माँ के साथ उसकी बड़ी बहन के यहाँ गई थी, माँ की बड़ी बहन के यहाँ गई थी, तो उसके परिचित पास में ही रहने वाले आरोपी शंकर द्वारा उसको खिलाने के नाम पे घर लेके आया और उसके साथ गलत हरकत करने पर संबंधित धाराओं में BNS की धारा 63C, 64(2)F और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। परिचय में ये दोनों पास रहते थे किराए से बाड़ा में, वहाँ से ये बच्ची को अक्सर परिचित होने के नाते इसको खिलाया भी करता था। अपराधी का नाम शंकर कुशराम। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।